इस्लामाबाद के गिर्द एक जगह है, हम वहाँ पे पहुँचे होते और उस जगह को बता देते कि आवाम की ताकत क्या है, जो अपने आप को खुदा, ज़मीनी खुदा समझ बैठे हैं ना, उनको आज हम ज़मीन पे लेके आके बताते कि तुम जो हमें ब्लडी सिविलियंस कहते हो, यू आर अ ब्लडी ह्यूमंस, ठीक है। तो ये मैं, और अल्लाह का शुक्र है खान साहब बच गए, हम यहाँ पे इसलिए हैं कि खान साहब हमें बताएं, पैगाम दें और हम यहाँ पे से तसल्ली होकर अपने अपने घरों को रवाना। किसने करवाया आपके माइंड में क्या, जबकि वो बंदा खुद आया है, फैसल भट उसका नाम है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, सबको बता रहा है कि मैंने गोलियाँ मारी हैं। यहाँ क्या कहना चाहिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे, मैं रॉ की एजेंट हूँ, आप मान लेंगे? नहीं, देखिए एक बंदा खुद मुंह से कह रहा है मैं अपनी बाइक पर आया हूँ, मैं लाहौर से पीछा कर रहा हूँ, थकअप कर रहा हूँ। मैं भी तो अपने मुंह से कह रही हूँ ना कि मैं रॉ की एजेंट हूँ। आपकी वेरिफिकेशन होगी तो करें ना, फिर उस बंदे की वेरिफिकेशन करें, उस बंदे का भी निकालें। वो बंदा, एक बंदा खुद मुंह से कह रहा है मैं फलां जगह के रहने वाला हूँ, मेरी बाइक अपनी है, मैं अपनी बाइक पर लेकर आया हूँ, मैं इमरान खान साहब का पीछा कर रहा था, लाहौर से पीछे था, मैंने मौके की तलाश की हुई थी, जैसे मुझे मौका मिला मैंने ब्रेस्ट मार दिया। ये मेरा फोन है, ये मैं हूँ और ये मेरी वालदा है, हम रॉ के एजेंट है, आपकी वही बात को रिपीट करूंगी, अब आप इसको भी माने फिर। तो बंदा कह रहा है, अब मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो सच कह रहा है नहीं कह रहा, जिस तरह आप मेरे पे यकीन नहीं कर रहे, मैं कैसे यकीन करूँ कि वो सच कह रहा है या नहीं कह रहा। अगर देखा जाए तो फिर कीनिया में भी यही कहा गया है कि भाई वो गोली जो थी वो पुलिस ने मारी थी, तो हम सब मान लें। ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं कि 75 ईयर से जो है ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम वोट दे के इलेक्शन जो है वो जिताती थी और लेके वज़ीर आज़म लेके आती थी, आपको पता है कि कहाँ से होता है कहाँ से नहीं होता। मैं बोलूँगी तो आपको कट करना पड़ जाएगा, आपको भी ना मालूम है, फसल की तरफ से कॉल आना शुरू हो जाएगी, हो सकता है कि आपको भी उठा के ले जाया जाए और कहा जाए कि तुमने ये क्यों वीडियो जो है बनाई और क्यों उन लोगों से ये इंटरव्यूज किए। ये देखिए मेरी राय नहीं है, ये मैं उस बंदे के आपकी बात बता रहा हूँ, मैं भी आपको अपनी राय दे रही हूँ कि मैं रॉ एजेंट हूँ, आप मुझे रॉ एजेंट बना लें, आपने मुझे कोई भी CIA एजेंट बनाना है बना लें फिर मुझे, यानी कि आपका कहना यही है। अगर आपने आवाम की, अगर आप मेरी राय पर रह रहे हो तो मैं तो कह रही हूँ कि ये जो है वो मिस्टर एक्स ने किया, मिस्टर वाई ने किया, तो वो क्यों नहीं मानते? नहीं, हम तो क्या है मानने के लिए, जाहिर सी बात है सारी दुनिया जो कहेगी हम वो मानेंगे। तो फिर हम कह रहे हैं ना, तो फिर आजम सवाती ने भी तो खुल कर कहा है ना नदीम अंजुम के बारे में, तो वो भी माने, उस बंदे का तो अब माना जाएगा कि उस बंदे ने बोल दिया कि मैंने किया। अगर आप वो मान रहे तो आप नदीम अंजुम को भी माने, आप DG जो हमारे FIA थे उन्होंने जो किया उनका भी माने, आप NAB के जो हमारे में हो रहे आप वो भी चीज़ें माने, आप सब माने। ये बूफे सिस्टम नहीं है कि आप एक जगह मानेंगे और एक जगह नहीं मानेंगे, जो दिल किया वो आपने पिक कर लिया, जो दिल किया वो आपने नहीं पिक किया, या तो सब माने या कुछ नहीं माने। आप वजीराबाद से आई हैं? आप? मैं वजीराबाद से नहीं, मैं जो है ना यहाँ पे पास से ही आई हूँ। अच्छा, यानी कि उधर से इनको लेकर आया गया ना, तो आप इधर से ही शामिल हुई हैं? जी अब बिल्कुल, ये यहाँ पता चला हम उसी वक्त मतलब यहाँ पे आ गए खान साहब की लिए कि हम उनके, आप शामिल नहीं थे उधर साथ? नहीं, हम लाहौर से शामिल थे, जब यहाँ पे वो हुए थे रैली तो हम लाहौर से। जब आपको शॉकिंग न्यूज मिली, जब आपको पता चला, क्या तब आपका रद्दमल था, आपके जहन में क्या आया कि किसने किया होगा? नाम तो मैं ले लूंगी, लेकिन फिर वही बात है, आपको नाम मालूम है, अफराद की तरफ से कॉल जाएंगे और आपको थ्रेट किया जाएगा। मैं तो खुल कर बोल सकती हूँ, वो दो जो आए थे ना डिमिया भी, मैं क्या कहूँ, वो भी कोई अच्छा वर्ड है, मैं उनके लिए कुछ और मैं सोच रही हूँ कौन सा बेहुदा वर्ड, मैं दो बगैरत कह सकती हूँ कि वो जो दो बगैरत आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, एक तो वो था और एक उसके जो बड़े मियाँ थे जिनके वो हुकूमों पे आए थे, हुक्म जिन्होंने किया था, वो जिनको वो डिफेंड करने आए थे, वो करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। आज तक बेनज़ीर कातिल नहीं पकड़ा गया, आज तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो है एम्बुलेंस को जिसने ख़राब की वो नहीं पकड़े गए कि क्यों नहीं एम्बुलेंस आई, आज तक कुछ नहीं पकड़ा गया इस मुल्क। तो ये तो कातिल खुद पकड़ा गया ना, कह रहा है मैंने मारी है, इसको क्या सजा देनी चाहिए? अब मैं आपको कह रही हूँ, आप ये वो वाली बात कर रहे हैं कि जो है पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो सियासतदान चलाते हैं, कातिल के सहूलत का नहीं, आप तो ये वो वाली बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं बहना, हम तो हमारे लिए सब बराबर न्यूट्रल है, हमने तो वो बात करनी है। ये देखिए न्यूट्रल्स वाली बात ना क्या करें, मुझे भी गुस्सा आ जाता है न्यूट्रल्स का नाम। नहीं नहीं, हम किसी की पार्टी की तरफ से नहीं, आजकल न्यूट्रल्स तो ना ऐसी वजह से बेगैरत को जमीर जगाने के लिए कहा नहीं जाता कि न्यूट्रल्स, फौरन जमीर जाग जाता है, आजकल तो ये वो बना हुआ है हमारे लिए कि न्यूट्रल्स बोलो तो फौरन हमारा जमीर जाके कहते हैं कि आप बगैरतों का नाम नहीं लिया। यानी कि आपको पता है जिन्होंने ये काम करवाया, आप बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो बंदा, वो तो खुद आके कह रहे हैं कि हमने करवाया, वो तो खान ने तो उनको नहीं कहा, खान ने तो उनको मीर सादिक मीर जाफिर नहीं कहा, वो तो खुद कह रहे हैं हमें कहा, तो हम क्या कहें उनको, वो तो खुद मान रहे हैं आके कि हमें कहा। 12 मई की आप निकाले खान का जलसा और देखिए खान ने किसको कहा था, खान ने ऑन स्टेज कहा था कि मीर जाफिर मीर सादिक जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ तुम हो, लेकिन पता नहीं उनको कौन सी मच्छर ने काटा, उन्होंने एहसास हुआ कि नहीं नहीं यार ये तो सच बोल क्यों रहे, हम हैं वो, ये झूठे हैं, हम सच्चे हैं, वो तो हम हैं, मीर जाफिर और मीर सादिक तो हम हैं, क्योंकि चोर को पता होता है कि चोर कौन है, इसी तरह मीर सादिक और मीर जाफिर को पता है कि वो हम हैं। जी थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपने देखा, अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है इस टाइम
पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस बात की शदीद मजम्मत की जा रही है कि जो जो इमरान साहब के साथ किया है ये अच्छा नहीं हुआ, और अगर इमरान साहब खान साहब कोई हुक्म देंगे तो हम उसके मुताबिक रद्द अमल देंगे। बकाया इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स आती है आपके साथ शेयर करते हैं। अपने होस्ट को इजाज़त दें, नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा देते हैं। अल्लाह हाफिज़।